वेलकम एवरी वन आई एम डॉ निशा सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हार्डनेस कैलकुलेट करना सीखेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था हार्डनेस क्या होती है कितने टाइप की होती है हमने दो तरीके से हार्डनेस को डिवाइड किया था टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस या कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और हमने मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस को समझा था जिस मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यूज करते हैं यानी अगर हमें कभी भी किसी सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट यहां सॉल्ट की जगह कोई एसिड हो सकता है बेस हो सकता है यानी जो भी वैल्यू हमें दी जाएगी हम उसी का रिस्पेक्टिव फार्मूला मेंशन करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्वीवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट अब ये जो इक्वीवेलेंट वेट है इस इक्वीवेंट वेट को निकालने के लिए हम एक सेपरेट फार्मूला यूज करते हैं जिस फॉर्मुले से आने वाली वैल्यू को हम अपने इस दिए हुए फॉर्मुले में प्लेस करके कैल्शियम कार्बोनेट इक्वीवलेंट कैल्कुलेट करते हैं तो अगर हमें निकालना है इक्वीवलेंट वेट ऑफ सॉल्ट तो हमारे पास फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेलेंसी ऑफ मेटल अगर हमें कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड बेसिसिटी क्या होगी कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस्ड होंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड उसको हम बेसिसिटी के फॉर्म में कंसिडर करते हैं ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस तो हमारे पास फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे या प्रोड्यूस होंगे बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस तो ये तीन फॉर्मूले अलग अलग यूज करके हम दिए हुए सॉल्ट एसिड या बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और उस इक्विवेलेंट वेट को अपने दिए हुए फॉर्मूले में प्लेस करके हम उसके अमाउंट को हार्डनेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब इसकी हेल्प से हम दिए हुए वाटर सैंपल की हार्डनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये एक नोमरिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है मैंने वॉट इज कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ वॉटर विच हैज द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज पर लीटर यानी हमें कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट करनी है कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी हार्डनेस होती है हमने पहले पढ़ा है इट इज टेम्परेरी हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होती है इट इज परमानेंट हार्डनेस अब इस टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट हमने पढ़े थे तो अगर आप याद कर पा रहे हैं उस चीज को तो टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाय कार्बोनेट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है या किसी हैवी मेटल के बाय कार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस है इस हार्डनेस को प्रोड्यूस करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट सॉल्ट होते हैं या हैवी मेटल्स के क्लोराइड सल्फेट सॉल्ट होते हैं तो अब जो भी दिए हुए सॉल्ट हैं उनका अमाउंट हमें गिवन है पर लीटर मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में यानी यहां पर दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड 33.3 मिलीग्राम पर लीटर सेम ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू यह अमाउंट हमें दी हुई है पर लीटर अब इन सारे सॉल्ट के दिए हुए अमाउंट से हमें कैलकुलेट करनी है कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें इन दिए हुए सारे सॉल्ट्स के अमाउंट को कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में जिसकी हेल्प से हम हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे और उस हार्डनेस को टेम्परेरी और कार्बोनेट या परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिस टेबल में हम सारी की सारी दी हुई वैल्यूज को कन्वर्ट करते जाएंगे तो सबसे पहला हम लिखेंगे सॉल्ट यानी जो भी सॉल्ट हमें दिए गए हैं उनको हम मेंशन करेंगे इसके बाद हमारे पास आएगा इस सॉल्ट का अमाउंट जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिविन है वो अमाउंट देन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट यानी कन्वर्टेड वैल्यू और उसके बाद टाइप ऑफ हार्डनेस यानी किस तरीके की हार्डनेस दिया हुआ सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है अब इसमें एक एक वैल्यू को हम प्लेस करेंगे और उस वैल्यू को प्लेस करने के साथ में हम उसकी कैलकुलेशन को करते जाएंगे अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट हमने मेंशन किया है इसके लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इस फॉर्मले को यूज करके हम अपनी इस टेबल की सारी वैल्यूज को फिल करते जाएंगे तो सबसे पहला जो सॉल्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज कैल्शियम बाई कार्बोनेट सॉल्ट इस कैल्शियम बाई कार्बोनेट का सॉल्ट का अमाउंट हमें दिया है 40.5 मिलीग्राम पर लीटर तो अमाउंट के साथ हम मैंशन कर देते हैं जिस भी फॉर्म में हमें ये दी हुई है वैल्यू ये हो गई 40.5 मिलीग्राम पर लीटर अब इसका कन्वर्जन हमें करना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू प्लेस करेंगे अपने फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज फोर्टी प्वाइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी डिवाइडेड बाय इक्वीवेंट वेट ऑफ सॉल्ट यानी इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक रफ पोर्शन ले लेते हैं जिस रफ पोर्शन में हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट के लिए ये सॉल्ट है हमारे पास फॉर्मूला क्या था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेलेंसी तो पहला सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हुआ फोर्टी हाइड्रोजन का वन कार्बन का ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट यानी इस पूरे अंदर वाले पोर्शन का जो वेट है वो हमारे पास बैठा सिक्सटी वन और ट्वाइस करना है टू ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड किया हमने वैलेंसी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी प्लस टू तो हमने टू से इसको डिवाइड किया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकल कर आएगा वो वैल्यू हमारे पास आएगी वन सिक्सटी टू डिवाइडेड बाई टू यानी कि एटी वन तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है एटी वन प्लेस करनी है जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन के बाद आई जब इस वैल्यू को रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा ट्वेंटी फाइव यानी फोर्टी पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाई कार्बोनेट की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होगी इसके बाद दूसरा सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड इसका अमाउंट हमें दिया है 33.3 मिलीग्राम पर लीटर तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट तो ये अमाउंट हुआ 33.3 थ्री पॉइंट थ्री इंटू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट अब CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं CaCl2 इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम के लिए फोर्टी सीएल के लिए थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू और डिवाइडेड बाय वैलेंसी तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है फिर से प्लस टू जैसे यहां पर टू वैलेंसी थी तो ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाय टू यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रिपल वन अपॉन टू दैट इज फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव तो हम यहां पर एक वी वेट के लिए वैल्यू प्लेस कर रहे हैं फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थर्टी इसके बाद तीसरा सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम नाइट्रेट जो कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट है इसका अमाउंट हमें गिवन है 41.0 मिलीग्राम पर लीटर लेकिन ये कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट ना तो कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है और ना ही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है तो इसलिए इस वैल्यू के या इस सॉल्ट के प्रेजेंट होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वाटर की हार्डनेस पर क्योंकि यह सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है और अगर कोई सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या हार्डनेस मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो इसके लिए हम मेंशन करेंगे इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस यानी इसके लिए हमें अमाउंट को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है चौथे सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं चौथा हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट और इसका अमाउंट हमारे पास है 33.6 मिलीग्राम पर लीटर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू प्लेस करेंगे 33.6 थ्री पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टी डिवाइडेड बाई इक्वीवेंट वेट अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं एम जब इसके लिए हम सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे यानी मॉलिक्यूलर वेट प्लेस करेंगे तो Uh, जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक वेट हो गया 24 कार्बन का हो गया 12 ऑक्सीजन का हो गया 16 और इंटू थ्री डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम की वैलेंसी भी प्लस टू आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आया 84 फोर डिवाइडेड बाय टू विच इज फोर्टी तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया निकलकर फोर्टी तो हम वैल्यू प्लेस करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट के लिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर यहां पर आएगा 40 तो हमें तीन वैल्यू मिली 25, 30 एंड 40। इन तीनों दी हुई वैल्यूज के बेसिस पर अब हम हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कौन सी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा कार्बोनेट हार्डनेस तो टाइप ऑफ हार्डनेस में हम मेंशन करेंगे कार्बोनेट हार्डनेस देन जो कैल्शियम क्लोराइड है वो कौन सी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैल्शियम नाइट्रेट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ सैंपल तो अब कैलकुलेशन में हमने अलग अलग सॉल्ट की हार्डनेस तो निकाल ली लेकिन अब इस हार्डनेस को हम क्या करेंगे कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिए हुए वाटर सैंपल के लिए कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू देखते हैं कौन कौन सी कार्बोनेट हार्डनेस है कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाली और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाली तो हम क्या लिखेंगे कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी वैल्यू आई कैल्शियम बाई की वैल्यू हमारे पास है ट्वेंटी फाइव और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू हमारे पास है फोर्टी तो दैट मीन्स यहां से हमारे पास आई कार्बोनेट हार्डनेस इज सिक्सटी फाइव मिलीग्राम पर लीटर ये पहला आंसर हुआ कार्बोनेट हार्डनेस का ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हमारे पास एक ही है विच इज हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर तो एक आंसर हमारे पास आया 65 मिलीग्राम पर लीटर और दूसरा आंसर हमारे पास आया 30 मिलीग्राम पर लीटर तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ ये पहला एग्जांपल लिया था मैंने आई होप आपको ये समझ में आया होगा आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और न्यूमेरिकल पोर्शन ले लेते हैं देखते हैं उसमें किस तरीके से हार्डनेस की कैलकुलेशन कराइए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस अब यहां तीन तरीके की हार्डनेस कैलकुलेट कराई है ऑफ गिवन वाटर सैंपल इन पीपीएम डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच यानी तीन अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में हार्डनेस कैलकुलेट कराई है और एनालिसिस ऑफ वाटर हमें गिवन है जिसमें मैग्नीशियम बाय है कैल्शियम बाय है मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है यानी चार अलग अलग सॉल्ट दिए हैं तीन तरीके की हार्डनेस निकालनी है और तीन अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में हार्डनेस को कैलकुलेट करना है तो जो हमारा आंसर है या सॉल्यूशन है उसकी शुरुआत हम अपने फॉर्मूले से करेंगे विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे हम दिए हुए सॉल्ट का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे वेलेंसी के साथ अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फिर से हम टेबल की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आया सॉल्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा उस सॉल्ट का दिया हुआ अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसके बाद हमारे पास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट और लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी टाइप ऑफ हार्डनेस इस बार भी हमें चार सॉल्ट दिए हैं लेकिन उन चारों सॉल्ट से हमें अलग अलग तरीके की हार्डनेस को कैलकुलेट करना है तो पहला सॉल्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट एमजीएचसी थ्री होल्डवाइस जिसका अमाउंट हमारे पास है 7.3 और अमाउंट हमें दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर में हमने यूनिट्स ऑफ हार्डनेस में पढ़ा था कि मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे यानी दिए हुए फॉर्मुले में वैल्यू प्लेस करेंगे तो 7.3 पॉइंट थ्री इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम बाय का इक्विवेलेंट वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी तो हमारे पास 73 निकल कर आएगा एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 5 मिलीग्राम पर लीटर और 5 पीपीएम नाउ नेक्स्ट सॉल्ट इज कैल्शियम बाय the amount of calcium bicarbonate given is 16.2 mg per liter by substituting these values into the given formula 16.2 into 50 divided by equivalent weight of calcium bicarbonate is 81 and after calculating we get 10 now the third salt is magnesium chloride the given amount is 9.5 mg per liter and by placing the value 9.5 into 50 divided by equivalent weight of mgcl2 which is 47.5 we get again the value 10 last salt which is given is calcium sulfate and the amount is 13.6 milligram per liter by substituting the value 13.6 into 50 डिवाइडेड बाय इक्वीवेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज सिक्सटी एट एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट टेन तो हमने यहाँ पे दिए हुए चारों सॉल्ट को कन्वर्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट इक्वीवेंट की फॉर्म में अब हमें क्या करना है टाइप ऑफ हार्डनेस को मैंशन करना है तो हमें टेम्परेरी परमानेंट की फॉर्म में इसको डिवाइड करना है तो जो पहला सॉल्ट हमारे पास है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है यानी कि कार्बोनेट हार्डनेस तो इट विल प्रोड्यूस temporary hardness सेकेंड हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगेन टेम्परेरी हार्डनेस और जो रिमेनिंग दोनों सॉल्ट हैं मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट ये दोनों कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे दोनों ही परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे तो अब जब हम दोनों तरीके की हार्डनेस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं दिए हुए सॉल्ट में तो अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे दिए हुए वाटर सैंपल की टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या क्या होगी तो सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस निकाल रहे हैं टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू कौन कौन सी हार्डनेस हुई मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास कैल मैग्नेशियम बाय की वैल्यू है पांच और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है दस तो फाइव प्लस टेन ये वैल्यू हमारे पास आई फिफ्टीन मिलीग्राम पर लीटर अभी हम पहला आंसर निकाल रहे हैं मिलीग्राम पर लीटर में फिर हम इस दिए हुए आंसर को कन्वर्ट करेंगे पीपीएम डिग्री क्लार्को डिग्री फ्रेंच में देन हमारे पास आती है परमानेंट हार्डनेस तो परमानेंट हार्डनेस के लिए भी दो सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट तो हम मेंशन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट इसकी वैल्यू मैग्नीशियम क्लोराइड की टेन और कैल्शियम सल्फेट की अगेन 10 तो ये वैल्यू हमारे पास आई 20 मिलीग्राम पर लीटर यानी ये दो आंसर तो हमारे आ गए टेम्परेरी हार्डनेस का और परमानेंट हार्डनेस का अब इसके अलावा हमें कैलकुलेट करनी है टोटल हार्डनेस तो जो आंसर हमारे पास आए हैं इसको हम एक दूसरे पेज पर रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं हमारे पास आई है टेम्परेरी हार्डनेस इज 15 मिलीग्राम पर लीटर और हमारे पास आई है परमानेंट हार्डनेस इट इज 20 मिलीग्राम पर लीटर अब रिमेनिंग आंसर कैलकुलेट करते हैं हमारे पास थर्ड जो आंसर कैलकुलेट करना है इट इज टोटल हार्डनेस तो टोटल हार्डनेस किसके इक्वल होगी दोनों तरीके की हार्डनेस को अगर हम प्लस कर दें टेम्परेरी प्लस परमानेंट हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस इज फिफ्टीन एंड परमानेंट हार्डनेस इज ट्वेंटी एंड वी विल गेट द आंसर थर्टी फाइव मिलीग्राम्स पर लीटर अब ये तीन आंसर तो हमें मिले मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था हार्डनेस इन पीपीएम डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच तो अब हम अपना रिलेशन मेंशन करेंगे डिफरेंट यूनिट्स का रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ हार्डनेस हमारे पास होता है वन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू वन पीपीएम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिग्री क्लार्क इस रिलेशन के बेसिस पर अब हम आए हुए अपने सारे आंसर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहला आंसर ले रहे हैं टेम्परे हार्डनेस इज इक्वल टू फिफ्टीन मिलीग्राम पर लीटर एंड इट विल बी इक्वल टू फिफ्टीन पीपीएम क्योंकि बोथ वेल्यूज आर सेम देक्वल टू फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट वन डिग्री फ्रेंच जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा वन पॉइंट फाइव डिग्री फ्रेंच देन नेक्स्ट इज फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिग्री क्लार्क जब क्लार्क की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आया वन पॉइंट जीरो फाइव डिग्री क्लार्क तो ये सारा आंसर हमारा किसका है टेम्परेरी हार्डनेस का इसके बाद परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट कर लेते हैं परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू जो आंसर हमने पहले निकाला है इट इज ट्वेंटी मिलीग्राम पर लीटर इट विल बी इक्वल टू सेम एज ट्वेंटी पार्ट्स पर मिलियन एज पर द गिवन रिलेशन इट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन डिग्री फ्रेंच दैट विल बी इक्वल टू टू डिग्री फ्रेंच एंड इट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिग्री क्लार्क आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट वन पॉइंट फोर डिग्री क्लार्क ये दोनों आंसर हमारे पास आए टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के ऐसे ही हमसे पूछी है टोटल हार्डनेस तो टोटल हार्डनेस के लिए भी हम चाहें तो कन्वर्जन में सेम प्रोसेस यूज करें हम चाहें तो जो वैल्यूज हमारे पास निकल कर आई हैं उनको हम सिंपली ऐड कर दें टेम्परेरी और परमानेंट के रेस्पेक्ट uh, में तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं टोटल हार्डनेस हमारे पास थी 35 मिलीग्राम पर लीटर विच विल बी इक्वल टू 35 फाइव पी विच विल बी इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री फ्रेंच दैट इज थ्री पॉइंट फाइव डिग्री फ्रेंच एंड थर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिग्री क्लार्क दैट विल बी इक्वल टू टू पॉइंट फोर फाइव डिग्री क्लार्क तो हमने अपने एक ही न्योमरिकल में बहुत सारी चीजों को समझा जिसमें हमने हार्डनेस कैलकुलेट की टेम्परेरी परमानेंट टोटल हार्डनेस की फॉर्म में रिलेशन यूज करके हमने टेम्परेरी परमानेंट टोटल हार्डनेस को अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एक सिंगल क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें अंडरस्टैंड की हैं बट इनके रेस्पेक्ट में आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिन क्वेश्चन में केवल और केवल हार्डनेस कैलकुलेशन हो या फिर दूसरे क्वेश्चन जिनमें केवल और केवल यूनिट कन्वर्जन हो तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको इसमें से एग्जाम में मिल सकता है आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन नोमेरिकल्स को और अच्छे से समझने के लिए आपको uh, कोई बुक रेफर करके उस बुक के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा और अगर आपका कोई डाउट किसी भी न्यूमेरिकल में आता है तो यू कैन फ्रीली आस्क टू मी थैंक यू सो मच